स्वाधीनता दिवस की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के इस पर्व पर आज मैं आपके सम्मुख महाकवि श्री गोपाल प्रसाद व्यास की कविता खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, अब बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों के से गूथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यह कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमक उठी उठी उसकी रक्तिम काया। आजानु बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, तो यह कागज है कौन यहाँ खूनी हस्ताक्षर करता है। इस पे भरने वाले को जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने उसे अपना इतिहास नया। जय हिंद।